नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में लगातार प्रशासन के आदेश के बाद कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। इस बंद के चलते रोज कमाने खाने वाले लोगों की जिंदगी में काफी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए नगर TI बीरेन झा द्वारा नगर में बेरोजगार बेसहारा रिक्शा चालकों के लिए 400 पैकेट सुबह और शाम रोज खाना तैयार करवाकर जगह जगह वितरण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जिनके घरों पर खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, आलू, सब्जी भी घर घर वितरण करवाई जा रही है। ये मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस महामारी के चलते लोग बेरोजगार हैं और उनके खाने को नहीं है। ऐसे वक्त में नगर TI बीरेंद्र झा के द्वारा सभी लोगों के द्वारा साधुवाद दिया जा रहा है। वहीं ये सारा का सारा कार्य TI द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर किया जा रहा है, जिसको लेकर SP विनायक वर्मा ने TI बीरेंद्र झा की तारीफ की और कहा कि वाकई यह बहुत ही सराहनीय कार्य नगर TI के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जैन मिलन विद्यापुरम की वीरांगनाओं ने कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी की स्थिति में जो गरीब मजदूर, बेरोजगार, जिनके बच्चे भूखे हैं और जिन्हें भोजन नसीब नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति को भांपते हुए विद्यापुरम की वीरांगनाओं ने 200 पैकेट भोजन के वितरित किए और साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि 15 अप्रैल तक 200 पैकेट भोजन के लगातार वितरित करते रहेंगे। वहीं वार्ड नंबर 24 के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गरीब लोगों के लिए आलू, प्याज, शक्कर, चाय की पत्ती, मसाले देकर सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग अपने घर से बाहर ना निकले। वहीं अन्नपूर्णा सेवा समिति भी लगातार लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गरीबों और असहायों की सेवा में जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर्स की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हम सब दोस्तों ने एक संकल्प लिया था कि सारे समाज के, सारे धर्मों के लोगों को जो परेशान हाल होंगे, उनकी ज़रूरतों का सामान उनके घर घर तक मुहैया कराया जाएगा। इसमें हम सब दोस्तों ने पैसे जमा करके इकट्ठे करके सामान उनके घर घर पहुंचा रहे हैं जी। ये आपदा जब तक चलेगी, हम 8-8 दिन के अंदर सबके घर सामान पहुँचा रहे हैं जिसके लिए ज़रूरत है, और इसकी कोशिश यही करते रहेंगे सबके घर में पहुँच जाए सामान, कोई समस्या किसी का पैदा ना हो और सबका काम आसानी से चल जाए। हम महिला जैन मिलन विद्यापुरम की वीरांगनाएं, आज जो कोरोना वायरस का जो आपदा पड़ी है, तो उसमें जो गरीब लोग जो बिल्कुल रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनका कार्य नहीं चल पा रहा है, तो उन भूखों के लिए खाना खिलाने के लिए हम लोग पैकेट तैयार करके दे रहे हैं, और अभी हम जब तक ये आपदा आ रही है तब तक हम देते रहेंगे। करीब 100-150 पैकेट हम लोग रोज दे रहे हैं जी। जनता कर्फ्यू के दौरान और उसके बाद अचानक लॉकडाउन होने से कई ऐसे परिवार जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे एवं जो लोग जिन अन्य चीज़ों के ऊपर आश्रित थे, जिनके पास भोजन व्यवस्था नहीं थी, तो स्थानीय थाना गंजवासोदा शहर के द्वारा उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई एवं उक्त भोजन जो पैकेट जो प्रदाय किए जा रहे हैं वो थाना परिसर में ही तैयार कराकर पुलिसकर्मियों के द्वारा ही उनको वितरित कराया जा रहा है एवं इनकी जो संख्या है जिनके पास में भोजन की उपलब्धता नहीं है उनकी जानकारी लेकर घर घर पहुंचाने का काम हमारी पुलिस कर रही है वर्तमान।